अगर आप ये वीडियो किसी कंप्यूटर पे देख रहे हो ना, तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि वो विंडोज कंप्यूटर हो सकता है। और दुनिया के जो 90% कंप्यूटर्स है ना, वो भी विंडोज को चलाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है, और 90% में से मेजोरिटी ऐसे कंप्यूटर्स भी हैं जिनके अंदर जो विंडोज है वो ओरिजिनल नहीं है, यानी कि वो पायरेटेड है, लेकिन वो भी फ्री में बिना पैसे दिए विंडोज को चला रहे हैं। और इसे देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखा जाए तो रियलिटी में जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो भी फ्री में विंडोज को ऐसी दान में दे रही है। वेल, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या और पूरी कहानी क्या ना, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर ऑसम कंटेंट। लेकिन अगर हम वही बात करें विंडोज की, तो विंडोज है ना काफी ज्यादा एक एक्साइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर्स की दुनिया में। और यहाँ पे मैं जिस विंडोज की बात कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ नॉर्मल विंडोज की बात कर रहा हूँ, यानी कि आज के समय में भी विंडोज कंप्यूटर को एक्टिवेट कराने की जरूरत है, उसके अंदर एक लाइसेंस की जरूरत है, जिसका यूज करके लोग जो ना वो बिना किसी दिक्कत के विंडोज का यूज कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जब से विंडोज 10 आया ना, तब से एक चीज शायद आप लोगों ने नोटिस करी है, लेकिन मैंने तो नोटिस करी, यानी कि अगर आपने विंडोज को ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड किया, अगर आप उसे पायरेटेड चला रहे तो वो चलता रहेगा, अगर आपने उसके की के पैसे दिए भी नहीं तो साइड में क्या रहता है, बस एक एक्टिवेट विंडोज का लोगो आता रहता है, और आप डेस्कटॉप की थीम और जो डेस्कटॉप का वॉलपेपर होता है ना, उसे चेंज नहीं कर पाते। इसको छोड़ के जो पूरा का पूरा जो विंडोज है ना, वो एग्जैक्ट सेम चलता रहता है, कुछ भी दिक्कत नहीं आती, सारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, यहां तक कि जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अपडेट्स होते हैं ना विंडोज के, वो भी लेता रहता है, और जितने भी विंडोज के अपडेट्स आते हैं ना, तो वो भी स्मूथली ले लेता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ऐसा होता था कि 30 दिन के ट्रायल के अंदर चलता था, लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया कि अगर आप विंडोज को पैसे देना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा है, आप दे सकते हो, लेकिन अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आपको जैसे विंडोज चलाना है वैसे चला सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? वेल, देखा जाए तो इससे पहले की कहानी काफी ज्यादा लगती, यानी कि विंडोज 95, 98, 2000 XP, विंडोज 7, विंडोज 8 तक की अगर हम बात कर लेना, तब तक क्या होता था कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो सामने से अपफ्रंट फीस मांगती थी कि कंपनी उन्हें पे करे, या फिर जो यूजर को विंडोज अपने कंप्यूटर में यूज करना, तो उसे वो लाइसेंस की फीस पे करे। तो सीधी भाषा में मतलब यह है कि अगर आपने कोई लैपटॉप लिया तो लैपटॉप कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, या फिर अगर आप कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं मार्केट से तो जो कंप्यूटर जिस कंपनी का उस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, या फिर अगर आप मार्केट से असेंबल करवा रहे हो तो या फिर आप की के पैसे, या फिर जिससे आप असेंबल करवा रहे हो उसको विंडोज के पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो कहानी थी ना अराउंड विंडोज 8 तक चली थी, लेकिन विंडोज 8 तक आते आते जो मोबाइल रिवॉल्यूशन होता है ना स्मार्टफोन वाला, वो आ गया, यानी कि आईफोन आ गया, मार्केट में एंड्रॉइड आ गया। और कभी आपने कभी सुना है कि आपको एंड्रॉइड के पैसे देने पड़ रहे हैं? यानी कोई कंपनी आपसे एंड्रॉइड के पैसे मांगती है? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। यानी कि जो एंड्रॉइड है ना, वो देखा तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप फ्री में कस्टम रॉम्स वगैरह को डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर डाल सकते हो। वही बात करें iOS की, तो iOS होता है ना, वो भी आईफोन के साथ फ्री आता है। एप्पल जो रहती है ना, वो iOS का कभी पैसा नहीं मांगती, और आने वाले समय में अपडेट्स भी फ्री में प्रोवाइड करती है। विंडोज में पहले ऐसा नहीं होता था। अगर विंडोज 7 अगर आपके पास है, अगर आपको अपग्रेड करना है विंडोज 8 पे, तो आपको पैसे देने पड़ते थे। तो देखा जाए तो पूरा बिजनेस मॉडल अलग था। अब उसका मेन रीजन ये है कि जो स्मार्टफोन्स है ना, वहां पे जो कंपनीज है ना, वो OS बेच के पैसा नहीं बनाती, OS के साथ साथ जो दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एग्जांपल गूगल अपने साथ गूगल का प्ले स्टोर, गूगल ड्राइव, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। एप्पल iOS के साथ ऐप स्टोर, iTunes, iCloud स्टोरेज और भी अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती है, जिसका यूज करके वो आगे चल के और ज्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन ये जो पूरा कंसेप्ट था ना, ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं चलता था। लेकिन जैसे ही विंडोज 10 आया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि क्यों ना विंडोज को भी हम इसी सर्विस बेस्ड मॉडल पे ले जाए, और इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम फ्री में विंडोज देते हैं, और इसी का यूज करके हम आने वाले समय में सर्विसेज बेचेंगे। अब यही एक मेन रीजन था जिसके कारण जो विंडोज 7 और जो विंडोज 8 थे ना, इन्हीं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको फ्री अपग्रेड दिया गया विंडोज 10 का। यहां तक कि अगर आप विंडोज 10 पर अगर आप एक बार आ गए, तो आने वाले जितने भी अपडेट्स है ना विंडोज 10 के, वो भी आपको मिलते रहेंगे। और जो विंडोज 8 विंडोज 7 पे जो अपग्रेड प्रोग्राम जो उन्होंने 2015 में स्टार्ट किया था ना, वो आज भी चल रहा है। यानी कि अगर आज भी आपके पास ओरिजिनल विंडोज 7 विंडोज 8 है ना, तो आप ऑफिशियली विंडोज 10 पे मूव कर सकते हो बिना कुछ पैसा दिए। मतलब ये काफी ज्यादा एक अच्छी चीज करी, और ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म कर दिया कि जो विंडोज 10 है ना, वो लास्ट वर्जन होने वाला है विंडोज का, यानी कोई विंडोज 11 नहीं होगा। इसी विंडोज 10 में आपको हर महीने कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे, नए नए फीचर्स ऐड होते जाएंगे, साल 6 महीने में UI वगैरह में चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी कि अब इसी को बेस बनाते हुए माइक्रोसॉफ्ट इसी पे इवॉल्व करेगी, और इसको आने वाले समय में इंप्रोवाइज करेगी। यानी कि हर कुछ साल बाद जब नया विंडोज देखने को मिलता था ना, तो उसका जो पूरा किस्सा था, वो पूरा किस्सा खत्म कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। अब बात आई अगर माइक्रोसॉफ्ट अगर फ्री में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बांट रही है, तो आखिर पैसा कैसे बना रही है? वेल, ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज 10 है, उसमें भी आपको एड्स देखने को मिलते हैं स्टार्ट मेन्यू के अंदर, जहां पे आपको एप्लीकेशन के सजेशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन आप उन्हें ऑफ कर सकते हो। इसके साथ ही एक्टिविटीज के सजेशंस हैं, जिन्हें आप ऑफ कर सकते हो। और अगर आप विंडोज की सर्च बार में कुछ टाइप कर दो ना, तो ऑफिशियली बिंग के सर्च बार में सर्च होता है, और जो डिफॉल्ट ब्राउजर है, वो भी आपको एड्स देखने को मिलता है। यानी काफी सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी खुद की डाली है, और अपनी काफी सारी जो सर्विसेज है ना, वो भी उसके थ्रू प्रमोट करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 प्रमोट करता है,
जो माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है वो उसे प्रमोट करता है, यहाँ नहीं कि जो चीजें माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है वो चीजें प्रमोट करेगा और लोगों को इनकरेज करेगा कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ज्यादा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे। और अब माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरीके से छोड़ दिया कि वो विंडोज को एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम पैसा बनाए। अब माइक्रोसॉफ्ट ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग है ना वो उसका लेटेस्ट विंडोज 10 को ही यूज करे और आगे चल के वो किसी ना किसी तरीके से उससे पैसा बनाएगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर विंडोज 10 यूज करेंगे तो जो स्कूल कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज और जो ऑफिस वगैरह होते हैं जहां पे विंडोज को यूज किया जाता है तो वहां से वो पैसा बना सकते हैं। अब मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे अगर कंप्यूटर्स के अंदर अगर विंडोज यूज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली वो फ्री में विंडोज को यूज नहीं कर सकते, उन्हें कहीं ना कहीं से पैसा देना पड़ेगा। यानी कि जो इंटरप्राइज और जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर या फिर जो कमर्शियल सेक्टर होता है ना वहां पे जो माइक्रोसॉफ्ट है ना वो विंडोज के लिए चार्ज करती है और वहां से वो पैसा बनाती है, लेकिन वो जो नॉर्मल होम यूजर है ना उसे थोड़ा छोड़ देते हैं। वो चाहते हैं कि होम यूजर जो है ना वो विंडोज का यूज करता रहे, लेकिन जैसे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जाए ना तो वहां से वो जाके सीधे पैसे बना ले। तो ये एक छोटा सा चेंज किया माइक्रोसॉफ्ट ने और इसी का एक रीजन था कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक टच स्क्रीन बेस्ड कंप्यूटर्स के लिए फ्री विंडोज 10 एस को लॉन्च किया था, जिसके अंदर आप जो ऐप स्टोर होता है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज स्टोर वहां से ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते थे, जो छोटे मोटे कंप्यूटर और जो छोटे लैपटॉप होते हैं ना टच स्क्रीन बेस्ड उनके लिए लॉन्च किया था। और अब आगे चल के देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में आपको विंडोज 10 है ना वो होम यूज के लिए कंप्लीटली फ्री हो जाए और जो ऑर्गेनाइजेशन और जो इंटरप्राइज लेवल होता है ना वहां पे वो विंडोज के लिए चार्ज करके वहां से पैसा बनाए। तो देखा जाए तो कहानी कुछ ऐसी चल रही है और जो माइक्रोसॉफ्ट है ना अब वो ओएस बेच के नहीं जो सर्विसेज है ना उसको बेच बेच के पैसा बनाने की सोच रही है। और इसी का रीजन है कि आज के समय में जो विंडोज है ना वो अनऑफिशियली फ्री हो रखा है और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो ऑफिशियली जो विंडोज है वो हमेशा के लिए फ्री हो जाए। तो दोस्तों ये थी कहानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की और आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप लोग विंडोज के पैसे देते हो या फिर फ्री में यूज करते हो, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर ऑसम कंटेंट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।